हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ट्यूशन्स का टाइम चल रहा है, सारे बच्चे आ गए हैं, मास्क सबने प्रॉपर लगाया हुआ है, तो सारे बच्चे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हम वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बच्चों को मैंने बताया है कि बच्चों को कोरोना से बचने के लिए कैसे मास्क लगाना है, किस तरह से बच्चों को रहना है और किस तरह से बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो को जाके लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को देखिए और उस पर कमेंट लिखिए कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। क्योंकि इस समय कोरोना का टाइम वापस से वही आ गया है, बच्चों के एग्जाम आने वाले थे, बच्चे थोड़े बहुत दिनों से बड़ी ही मुश्किल से लाइन में आए थे बच्चे, ठीक है। हमने बहुत मेहनत करी थी और बच्चे भी एफर्ट डाल रहे थे, हम भी इतनी मेहनत कर रहे थे और बच्चों को पूरा प्रॉपर हम सिखाना शुरू किया था। लेकिन वापस से वही टाइम आ गया है, वही स्थिति आ गई है कि बच्चे अब वापस से घर पे रह गए हैं और ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बच्चे आ रहे हैं, आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज बच्चे पे तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे है ना ऑनलाइन में ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। अगर वो ट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि इस समय वो अपने बच्चे को थोड़ा अच्छे से पढ़ाएं और उन पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि सारा दिन बच्चा अब उनके पास है, अब उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि वे बच्चों के ऊपर प्रॉपर ध्यान दें, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। बच्चे अगर घर पे रहेंगे तो सारा दिन टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, लेकिन ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बीच में समय निकाल कर एक घंटा या दो घंटे बच्चों को समय दे ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए। ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालना है आपको, डेली उनको हिंदी इंग्लिश की रीडिंग राइटिंग मैथ्स में सम कराइए, टेबल कराइए, ऐसी चीजें उनको डेली करवाइए, उनके टच में रहिए। अगर उनकी पढ़ाई टच में रहेगी तो बच्चों की रीडिंग राइटिंग अच्छी रहेगी। अगर वो आपस से वो सब छोड़ देंगे तो काफी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि चार मंथ बाद बच्चा न्यू क्लास में चला जाएगा तो बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज अभी से जागरूक बन जाइए, टीचर्स हो या पेरेंट्स हो या ट्यूशन टीचर हो, तो थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो सारे बच्चे बुक्स कॉपी लेकर मेरे पास आ गए हैं कि मैम बुक फिल करवा दीजिए, या ये क्वेश्चन मैम ने आंसर लिखवाया हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमें समझा दीजिए, या चैप्टर मैम ने रीड करवाया तो वो कैसे कराया क्या बताया, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा ज्यादा नहीं समझ पाता। सारे बच्चों के घर में मोबाइल है, अधिकतर लैपटॉप तो किसी किसी के पास होता है, तो मोबाइल से पढ़ना जिसमें बहुत ही कम समझ में आ रहा है, कम दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्लास वाली बात तो नहीं होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है टीचर्स की भी कि हमें ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है। तो प्लीज आप बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स और टीचर बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपने देखा है सारे बच्चे दूर दूर ही बैठे हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को सब अपना वर्क करने में लगे हुए हैं। क्योंकि सारे बच्चों के पास ये देखिए मैथ्स की बुक लेकर आए, मैथ्स बुक लेकर आया है ये, इंग्लिश की, मैथ्स की, और मुझे फिल करवानी पड़ रही है। क्लास थर्ड की मैथ्स की बुक है मेरे पास, इसमें बच्चों को मैं डिवाइड के सम करवा रही हूँ, ठीक है। ये हिंदी की बुक खुली हुई है क्लास फर्स्ट की बच्चे की, ये देखिए क्लास फर्स्ट की, ये हिंदी की बुक है, ये दूसरे स्कूल की बुक है, ये दूसरे स्कूल की बुक है और ये अलग स्कूल की बुक है। तो सब बच्चों ने बुक ला ला के मेरे आगे रख दी है। तो देखिए सारे बच्चे वर्क कर रहे हैं। यस, स्किप काउंटिंग, टू की स्किप काउंटिंग में कितना छोड़ते हैं बीच में, वन, और थ्री की स्किप काउंटिंग में टू, और फोर की स्किप काउंटिंग में थ्री। बोल बोल के लिखना, आपने लिखा मटर, कटहल, अदरक लिख दो, गाजर लिख दो, ये HKG का बच्चा है। तो ये सारे बच्चे अपने अपना वर्क करने में लग रहे हैं। तो ये देखिए इस बच्चे से मैंने अभी अवर कंट्री लिखाया है, स्कूल में अवर कंट्री मैंने तो सिखाया ही था, स्कूल में अलग तरीके से सिखाया है, तो ये बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक की है। और ये देखिए क्लास फर्स्ट में आज र की मात्रा कराई, र के अलग अलग रूप, तो र को किस तरह से लिखा जाता है, तो वही मैं आज लिखवा रही हूँ। मैंने उसको लिखकर दे दिए हैं ये तीनों हेडिंग ऊपर, उसके बाद इसमें थ्री थ्री दिए हुए हैं,
लेकिन मैं उस बच्चे को 6-6 लिखवा रही हूँ ताकि बच्चों को पता लग जाए कि ये पर्व होता है और ये ग्रह होता है। ग्रह, प्रश्न, कर्म। अब कर्म भी होता है, ये क्रम है, क्रम। ये कर्म आसा है, इसमें कर्म आएगा, इसमें क्रम होता है ये। तो ये र के साउंड है जो बच्चों को सिखाए गए हैं, ट्रेन, ड्रम, ड्राइवर। ये देखिए, इधर ये क्लास फर्स्ट के बच्चे की मैथ्स खुली हुई है, इसको मैं स्किप काउंटिंग करवा रही हूँ, 2 की 3 की 4 की, इसको ये सिखाया जा रहा है। मैं बुक का बिल्कुल नहीं सिखा रही हूँ, बिल्कुल बुक से अलग मैंने ये नंबर लिख कर दिए इसको, ताकि बच्चों को आइडेंटिफाई रहे, बच्चा ही कर सके कि अलग अलग बच्चे को कैसे करना है। अगर हम बुक का ही दे देंगे तो बच्चा रट लेगा, लेकिन मैंने उसके डिजिट है, जो नंबर है, वो मैंने चेंज कर दिए हैं और बच्चा उसी के अकॉर्डिंग कर रहा है। यस, अपनी अपनी कॉपी में ध्यान दो सब। तो देखा आपने कि सारे बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं, तो जब तक पॉसिबल होगा बच्चे आएंगे, क्या पता बच्चे बीच में जा भी सकते हैं, क्योंकि अगर कोरोना बढ़ गया तो हो सकता है। लेकिन मेरी जहाँ तक कोशिश है, क्योंकि पेरेंट्स सब यही चाह रहा है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो कम से कम वो ट्यूशन्स भी आकर पढ़ ले, क्योंकि अगर बच्चे अगर अभी नहीं पढ़ेगा फिर लास्ट वही आ गया है साल का एंड, और बच्चा अभी छोड़ देगा पढ़ाई तो 4-5 महीने हो जाएंगे बीच में गैप, क्योंकि क्या पता जुलाई से स्कूल खुले वापस, तो बच्चा काफ़ी कुछ भूल चुका होगा। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों के ऊपर वापस से, क्योंकि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन ही ट्यूशन लगा देते हैं, तो जब बच्चा ऑनलाइन स्कूल में नहीं पढ़ रहा तो ऑनलाइन ट्यूशन कैसे पढ़ेगा। क्योंकि मेरे पास काफ़ी वो आ रहे हैं, कमेंट आते हैं कि मैम आपका नंबर दे दीजिए, आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा देंगी। तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी ऑनलाइन ट्यूशन, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो ऑनलाइन ट्यूशन भी बहुत मुश्किल से समझ पाएगा। जब तक बच्चा सामने नहीं होगा टीचर के, तो बच्चे को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बीमारी का टाइम है तो हमें थोड़ा सा संभल के रहना है, और बच्चों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हर पेरेंट्स को डर लगता है अपने बच्चों को बाहर भेजने में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चे आ रहे हैं तो आप पूरा प्रिकॉशन रखिए, सैनिटाइजर करवाइए, बच्चों को दूर दूर बिठाइए, मास्क लगाइए प्रॉपर, सबसे मेन मास्क है, आप मास्क लगवाइए। इस तरह से आप थोड़ी सी सावधानी रखकर सुरक्षित रह सकते हैं और बच्चों को भी रख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।